चलिए गाइस, आज बनाते हैं झटपट गर्म गर्म समोसे, जिसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जिसके लिए मैंने 250 ग्राम मैदा, थोड़ा सा अजवाइन, हींग और रिफाइंड ऑयल डाल के इसे मिक्स कर लूंगी। मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सख्त डो तैयार कर लूंगी। स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर 4 बॉयल आलू लिए हैं, जिसे मैं मैश कर लूंगी, और थोड़े से मटर लिए हैं। अब ऑयल डाल के मैं इसमें पनीर को फ्राई कर लूंगी। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करना है। अब थोड़ा ऑयल डाल के मैं इसमें जीरा, कद्दूकस किया हुआ अदरक, हींग, मटर, बॉयल्ड आलू, हरी मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला, काला नमक, हल्दी और सफ़ेद नमक डाल के मिक्स कर लेंगे। अब मैंने इसमें पनीर, हरा धनिया डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लिया। अब हम मैदे की छोटी छोटी लोई बना के इसे बेलेंगे। इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, इसे मीडियम ही बेलना है, ताकि जो उसकी बाहर की परत है ये काफ़ी क्रिस्पी बने। मैदे के साइड में पानी लगा के इसे कोन का शेप देना है, और इसके अंदर सारे स्टफिंग भर के इसे एक समोसे का शेप दे के इसे ऐसे हमने सारे समोसे हमने रेडी कर लिए हैं। अब इसे हम मीडियम ऑयल में इसे फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक। गर्मा गर्म समोसों को मैं हरी चटनी और इमली की चटनी के साथ सर्व करूँगी। इन दोनों ही चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस।